मैनुअल प्राय मैं मैनुअल यूज किया करता और उससे पहले मैंने जो मैं स्लाइड फिल्म यूज करता था सबसे पहले तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट यूज करता था, ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव बस सब चीज यूज किया, वो महंगी पड़ती थी। तो फिर मैंने कलर स्लाइड फिल्म जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं जो प्रोजेक्टर से दिखाते हैं मैं वो यूज करने लग गया, क्योंकि उस समय में उसका जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन जो भी जहाँ मैगजीन में है या बुक में कहीं भी होता था तो वो कलर स्लाइड प्रिफर किया करते थे, कलर स्लाइड, क्योंकि उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता था। प्रोफेशनल लोग जो है वो कलर स्लाइड यूज करते, मैं कंपटीशन भाग लेता तो वो कलर स्लाइड छोटी होती थी, मैं बताऊंगा आपको भेजने में सुविधा जाती मेरे लिए। अब कलर स्लाइड यूज करता और मेरे पास कैमरा वो निकोन FM2 वो मैनुअल आपका, तो कई बार मेरे शुरू में क्या हुआ कि कभी ओवर एक्सपोज हो जाती है, कभी अंडर एक्सपोज हो जाती है, मेरे बहुत सारे फिल्म खराब हो जाती है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, फिल्म बड़ी महंगी आती है, तो यार ये क्या हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक डायरी बनाई, सुनना मेरी बात, तो देखो कैसे किया वो किस्म के फोटोग्राफी की डायरी बनाई, और डायरी बना करके मैं जो भी फिल्म है उसका जो ISO है, पहले ए से होता था, अब ISO हो गए, वो मैं नोट करता था, ये इतनी 100 की है, मैं नॉर्मली स्लो स्पीड के यूज करता था, 100 या 64 कोडाकॉम 64 वो यूज करता था, तो वो मैं नोट करता। उसके बाद में मैं फिर क्या नोट करता कि जो सब्जेक्ट है वो उसमें कंडीशंस क्या है, लाइट कैसी है, किस कंडीशन की लाइट है, वो मैं नोट करता, कब लिया वो समय नोट करता, महीना नोट करता, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी मौसम के अनुसार फर्क पड़ती है, तो विंटर में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, समर में ज्यादा होती है, तो मैं वो भी नोट करता। फिर अलग कॉलम रखता अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर, नॉर्मल एक्सपोजर, ऐसा रखता मैं। ऐसा करके फिल्म जब चली जाती वापिस आती तो वापिस आकर मैं उसको देखता, और देखने पर जो फ्रेम अंडर एक्सपोज होता है वो मैं लिखता था अंडर एक्सपोज, कितना अंडर एक्सपोज है हम ध्यान से, और ओवर एक्सपोज है या करेक्ट एक्सपोज, ऐसे ऐसे मैंने 6 महीने तक वो डायरी मेंटेन। उसके बाद में तो फिर मैंने डायरी फेंक दी अंदू, और वो मेरी जो फिल्म जो है यहाँ जो प्रोसेस पेड नहीं होती वो मैं इंडिया में भेजता, प्रोसेस पेड को बाहर जर्मनी, जापान और इंग्लैंड भी भेजी, USA भी भेजी, जापान यहाँ भेजता सर, वो 10-15 दिन बाद आती और फिर उसको लेकर के बैठता था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। और यहाँ जब भेजता तो वो जो मेरे मित्र हैं ब्लैक वाले मित्र थे वो कहता रहे यार शिवजी तेरे 1 से लेकर के 37 तक एकदम करेक्ट एक्सपोज कैसे आ रही है। मैं कहता ये मैंने खूब सारे फिल्म बिखा दिए हैं तब आई है, तो वो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैंने क्या सेट किया था। वो मैंने ये 100 ISO फिल्म और 9 बजे की एकदम से ब्राइट लाइट, तो 125 मैं रखता आपके शटर स्पीड, और 11 अपर्चर क्या रखता 11 क्योंकि स्लो स्पीड की फिल्म है और वो करेक्ट आती। फिर जैसे जैसे लाइट डिम है तो मैं फिर उसके हिसाब से अपर या तो अपर्चर मैं कम करता 11 की जगह 8 रखता, या फिर मैं शटर स्पीड तो ज्यादातर मैं अपर्चर कोई 11 कर दिया, 11 से 8 कर दिया, 8 से 5.6 कर दिया, और शेड तो 4 कर दिया, और मेरे जो स्लाइड आती है एकदम सब बढ़िया। तो वो कमाल किसका था, वो डायरी के नोट करने से, और मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, वही स्टैंडर्ड ये सनी 16 का है जो मैंने आपको बताया। समझ में आ गई? पक्का? शिवजी महाराज की जय।